नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये शायद हम बच्चे कभी नहीं समझ सकते। लेकिन हम बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा कर गुजरे जिसे देखकर हमारे परिवार को, हमारी माँ को, हमारे पिता को हम पर गर्व हो सके। कुछ ऐसी ही खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें एक बेटे ने कुछ ऐसा किया है कि माँ खुशी से झूम उठी है। आपको बताएं कि ये माँ जो है वो टीचर की नौकरी करती थी और टीचर की नौकरी से रिटायर होने के बाद बेटे की तरफ से एक कमाल का काम किया गया है। अब ये कमाल का काम क्या है और कहाँ की है ये खबर, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस बेटे ने अपनी माँ के लिए क्या कुछ किया है। बता दें आपको कि राजस्थान के अजमेर में एक माँ के लिए उसका रिटायरमेंट यादगार बन गया, क्योंकि जब टीचर सुशीला चौहान रिटायर हुई तो उनका बेटा उन्हें हेलीकॉप्टर से लेने के लिए पहुंचा। योगेश अपने घर के समीप तोपदरा स्कूल के खेल मैदान तक हेलीकॉप्टर में अपनी मां को लेकर आया। मां के लिए बेटे के अनुराग की चर्चा चारों तरफ हो रही है। बता दें कि तोपदरा निवासी योगेश चौहान अमेरिका में एक कंपनी में इंजीनियर पद पर काम करता है। योगेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 14 साल से अमेरिका में ही रह रहा है। योगेश चौहान की माँ सुशीला चौहान चोपड़ा स्कूल के समीप रहती है। पिसानगंज पंचायत समिति क्षेत्र में केसरपुरा ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वो रिटायर हुई। स्कूल से सेवानिवृत्त के बाद टीचर सुशीला देवी को घर ले जाने के लिए स्कूल के खेल मैदान पर हेलीकॉप्टर खड़ा मिला। दरअसल अपनी टीचर माँ सुशीला चौहान के रिटायरमेंट पर अमेरिका से परिवार के साथ योगेश चौहान 4 दिन पहले ही अजमेर आए। योगेश चौहान ने आते ही जिला प्रशासन से हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन भी ली। योगेश चौहान बताते हैं कि 2 साल पहले उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। सुशीला चौहान अपनी पोती से नहीं मिल सकी थी, हालांकि फोन पर वो अक्सर बातचीत करती थी। जब उनकी पोती भारत आएगी तो वो किशनगढ़ एयरपोर्ट से वो अपनी पोती को हेलीकॉप्टर में अजमेर लेकर आएंगी। बस तब से ही मन में ठान लिया था कि माँ की सेवानिवृत्त पर उन्हें हेलीकॉप्टर से अजमेर लेकर आना है। योगेश चौहान आगे बताते हैं कि हम चाहते थे कि मम्मी के लिए कुछ अच्छा करें। मम्मी ने बहुत कठिन परिश्रम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया जहाँ मैं आज हूँ, इसलिए हम भी मम्मी के लिए ये यादगार लम्हा बनाना चाहते थे और इसीलिए हमने उनको हेलीकॉप्टर से हम उसे लाने गए। सुशीला चौहान ने बताया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय केसरपुरा में मेरा रिटायरमेंट हुआ था, मेरे बेटे ये नया तोहफा मुझे दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे पोती को हेलीकॉप्टर से लाना था लेकिन उसने नहीं लाने दिया। बेटे ने कहा कि मम्मी मैं आपको हेलीकॉप्टर से लेने आऊँगा। सुशीला ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आखिर ये माँ अच्छा महसूस कैसे ना करे, इस बेटे ने जो कमाल का काम किया है, अपनी माँ के रिटायरमेंट के दिन को यादगार बना दिया है। हेलीकॉप्टर से बिठाकर ये बेटा अपनी माँ को जो है वो उसके स्कूल से अजमेर उसके घर तक लेकर आया। और यही वजह है कि ये पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा है, परिवार के लोग खुश हैं। लेकिन बात हम बच्चे और माँ के रिश्ते की अगर करें तो ये रिश्ता इतना गहरा होता है कि इसे के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए हम कितना भी कुछ कर ले ये काफ़ी कम है। ऐसे में आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, या आज तक अगर आपने अपनी माँ के लिए भी ऐसा ही कुछ नायाब काम किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही, ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।